हेलो इंजीनियर्स, वेलकम टू इंजीनियर्स क्लासेज। आज हम लोग 2018 इवेंट का स्विच गियर एंड प्रोटेक्शन का क्वेश्चन सॉल्व करने जा रहे हैं। 20 ऑब्जेक्टिव 20 नंबर का सॉल्व करेंगे। तो चलिए आपको पहले क्वेश्चन की ओर ले चलते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन, स्पार्किंग अकर्स ऑन स्विचिंग ऑफ द लोड ड्यू टू सर्किट हाई। किसके कारण सर्किट हाई होता है? इंडक्टेंस के कारण। पहला का राइट ऑप्शन सी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर दो, वाइल इमर्स टाइप रिएक्टर आर यूज फॉर वोल्टेज। कितना होता है? अप टू 11 के भी नहीं, कितना हो जाता है? अबव 33 के भी, इसे 11 के भी से तो ऊपर ही होता है, यानी अबव 33 के भी। दो के राइट ऑप्शन डी टिक कर लेंगे आप लोग। क्वेश्चन नंबर थ्री, क्वेश्चन नंबर थ्री तो नहीं है, स्पीड में तो चले। क्वेश्चन नंबर फोर पर, फीडर सुरक्षा के लिए प्रयुक्त होने वाला रिले निम्न में होता है, उसे ट्रांसरे रिले कहते हैं। कौन सा रिले? ट्रांसरे रिले। चार के राइट ऑप्शन बी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर पाँच, देखिए नॉर्मिकल इसे अच्छा से हम लोग सॉल्व करेंगे। इफ द फॉल्ट करेंट इज 2000 एम्पियर, कितना एम्पियर? 2000 एम्पियर। द रिले सेटिंग 50% एंड द सीटी रेडियो इज 400/5, थेन द प्लग सेटिंग मल्टीप्लायर विल बी। क्या पूछा है? प्लग सेटिंग मल्टीप्लायर, तो फार्मूला से हम लोग चल रहे हैं। PSM बराबर क्या हो जाता है? PSM बराबर होता है, PSM बराबर लिखेंगे हम लोग फॉल्ट करेंट। फॉल्ट करेंट कितना है? 2000 एम्पियर, तो 2000 ऊपर लिख दिए। बट करेंट सेटिंग कितना दिया हुआ है? करेंट सेटिंग तो यह 400/5 है ना, तो 5 हम लोग लेंगे करेंट सेटिंग। और रिले सेटिंग 50% है, यानी 50/100। और क्या होता है? सीटी रेशियो, सीटी रेशियो कितना? 400/5। प्लग सेटिंग मल्टीप्लायर का फॉर्मूला एक बार हम फिर से बोल रहे हैं, आप लोग कॉपी में नोट कर लेंगे। प्लग सेटिंग मल्टीप्लायर बराबर होता है फॉल्ट करेंट बटा करेंट सेटिंग गुने सीटी रेशियो गुने रिले सेटिंग। तो चलिए अब क्वेश्चन सोल्व करते हैं। 5 से 5 कैंसिल, 5 से 5 क्या हो गया? कैंसिल। 1 शून्य से 1 शून्य खत्म, 1 शून्य से 1 शून्य खत्म। क्या बचा? 1 शून्य से 1 शून्य खत्म, सॉरी। तो 25, तो 24 यहाँ देखें, 5 × 4 कितना? 20, यानी 200/20, तो यानी 20 × 200 यानी कितना आ गया? 10 एम्पियर। PSM कितना आ गया? 10 एम्पियर। तो अब चलिए हम लोग देखते हैं ऑप्शन, यानी इसमें तो 10 एम्पियर है ही नहीं यार, तो यानी 10 एम्पियर टिक कर लेंगे। डी नन ऑफ द एबव हो जाएगा राइट ऑप्शन। 5 के सही ऑप्शन क्या होगा? डी। राइट आंसर क्या हुआ? 10 एम्पियर। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम लोग बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 6, द शेप ऑफ द डिस्क ऑफ एन इंडक्शन डिस्क रिले इज। ये क्या हो जाता है? स्पाइरल। 6 का राइट ऑप्शन बी, स्पाइरल। क्वेश्चन नंबर 7, क्वेश्चन नंबर 7 पढ़ेंगे। फॉर द सेम रिपेयरिंग कैपेसिटी द एक्चुअल करेंट टू बी इंटरप्टेड बाय एन HRC फ्यूज। HRC फ्यूज क्या हो जाएगा? सेम द मच लेस देन एनी सर्किट ब्रेकर, सर्किट ब्रेकर से कम होता है। 7 का राइट ऑप्शन ए हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 8, द स्टेबिलिटी ऑफ आर्क इन वैक्यूम डिपेंड्स अपॉन। क्या क्वेश्चन कर रहा है पढ़ेंगे एक बार। द स्टेबिलिटी ऑफ आर्क इन वैक्यूम डिपेंड्स अपॉन द कॉन्टेक्ट मटेरियल। कॉन्टेक्ट मटेरियल पर तो ओनली नहीं करता है, यानी ये नहीं होगा। द कॉन्टेक्ट मटेरियल इट्स वेपर प्रेशर, ये हो जाएगा वेपर प्रेशर पे करता है। द सर्किट पैरामीटर ओनली, ये भी सही है, यानी राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा? डी। कॉम्बिनेशन ऑफ बी एंड सी, 7 के राइट ऑप्शन डी टिक कर लेंगे आप लोग। क्वेश्चन नंबर 8 की ओर हम लोग चलेंगे, 9 की ओर। वेयर वोल्टेज आर हाई एंड करेंट टू बी इंटरप्टेड इज लो द ब्रेकर प्रेफर्ड इज। 9 के राइट ऑप्शन क्या होता है? वैक्यूम सर्किट ब्रेकर। कितना? वैक्यूम सर्किट में 9 का राइट ऑप्शन सी हम लोग टिक करेंगे। यहाँ पर देख लेंगे एयर ब्रेक सर्किट ब्रेक अप टू 11 के भी आप लोग कॉपी में नोट कर लेंगे। वॉल सर्किट ब्रेकर कितना होता है? 33 के भी से ऊपर तक
वैक्यूम सर्किट ब्रेकर भी 33 के भी, मिनरल ऑयल सर्किट ब्रेकर ये 66 के भी अप टू किया जाता है, वॉल सर्किट ब्रेकर 133 के भी से 132 के भी। SF6 कितना किया जाता है, 33 के भी से 765 के भी तक सबसे हाईएस्ट वही होता है। क्वेश्चन नंबर 10, SF6 गैस एक्सलेंट हीट ट्रांसफर प्रॉपर्टीज बिकॉज ऑफ इट्स, यानी SF6 के बारे में पूछ रहा है यार। हायर मॉलिकुलर वेट ये तो होता है, लो गैसेस विस्कोसिटी ये भी होता है, हायर डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ ये नहीं होता, यानी 10 का राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा, डी, ए कॉम्बिनेशन ऑफ ए एंड डी, यानी 10 के डी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 11, द चेंज ऑफ आर्क इंटरप्शन इन सब्सिक्यूएंट करेंट 0 डिक्रीज इन केस ऑफ वॉल सर्किट ब्रेकर, 11 का राइट ऑप्शन बी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 12, द रेट ऑफ राइज ऑफ रीस्ट्राइकिंग वोल्टेज डिपेंड्स अपॉन, तो चलिए आप लोगों को तो फार्मूला याद ही होगा, बट रेट ऑफ राइज ऑफ रीस्ट्राइकिंग वोल्टेज को शॉर्ट फॉर्म में क्या करते हैं, RRV। RRV का फार्मूला आप लोग कॉपी में नोट्स कर लेंगे, VM बट अंडर रूट LC साइन टी अंडर रूट LC क्या होता है, एक बार फिर मैं बोल देता हूँ, RRV का फार्मूला VM अंडर रूट LC साइन टी बट अंडर रूट LC। अब यहाँ से देख लेंगे किस पे डिपेंड कर रहा है, यानी किस पे डिपेंड कर रहा है, एल एंड सी पे क्या इंडक्टेंस एंड कैपेसिटेंस। तो चलिए अब आप लोग फार्मूला से अब देखते हैं, द टाइप ऑफ सर्किट ब्रेकर ये तो नहीं, द इंडक्टेंस ऑफ द सिस्टम ओनली, सिस्टम और कैपेसिटेंस पे भी करता है, द कैपेसिटेंस ऑफ द सिस्टम ओनली, यानी राइट ऑप्शन अब क्या हो जाएगा, द इंडक्टेंस एंड कैपेसिटेंस ऑफ द सिस्टम, 12 का राइट ऑप्शन डी हो जाएगा। दोनों पे करता है, अभी फार्मूला आप लोग को बताए थे, क्या बताए थे, RRV का फार्मूला आपको अभी बताए थे, VM बटा अंडर रूट LC साइन टी बटा अंडर रूट LC। ये आप लोग से एवरेज RRV पूछ देता तो क्या करते हैं, 2 VM बटा पाई अंडर रूट LC कर देते हैं इसका। अब हम लोग क्या करेंगे, सॉरी इसका यूनिट याद करेंगे, KV पर माइक्रो सेकेंड, क्या KV पर माइक्रो सेकेंड। तो चलिए 13 नंबर क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं हम लोग, द बकोल्ज रिले प्रोटेक्ट ए ट्रांसफॉर्मर फॉर्म, बकोल्ज रिले किससे प्रोटेक्ट करता है ट्रांसफॉर्मर, ऑल टाइप ऑफ इंटरनल फॉर्म, 13 का राइट ऑप्शन ए, इंटरनल फॉल्ट से बकोल कहाँ पर लग रहा था, कंजर्वेटर टैंक्स एंड मेन टैंक के बीच में। तो चलिए 14 नंबर क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, द नॉर्मल प्रैक्टिस टू स्पेसिफाई द मेकिंग करंट ऑफ ए सर्किट ब्रेकर इज इन टर्म्स ऑफ, मेकिंग करंट यानी मेकिंग करंट क्या होता है, तो मेकिंग करंट बराबर सॉरी मेकिंग करंट पीक वैल्यू के टर्म में मेजर किया जाता है, RMS वैल्यू में ब्रेकिंग करंट, कौन सा करंट, ब्रेकिंग करंट, पीक वैल्यू मेकिंग करंट। तो यहाँ से फार्मूला एक बार हम आप लोग को बता देते हैं, मेकिंग करंट बराबर मेकिंग करंट बराबर होता है या मेकिंग कैपेसिटी 2.55 ब्रेकिंग कैपेसिटी, क्या होता है, ब्रेकिंग कैपेसिटी, मेकिंग कैपेसिटी बराबर 2.55 ब्रेकिंग कैपेसिटी। आप लोग इसको कॉपी में नोट्स कर लेंगे बच्चों लोग। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं हम लोग इंजीनियर, क्वेश्चन नंबर 15, ऑटो रिक्लोजिंग इज यूज इन केस ऑफ एयर ब्लास्ट सर्किट ब्रेकर, ऑटो रिक्लोजिंग हो जाता है, कौन सा, एयर ब्लास्ट, 15 का राइट ऑप्शन बी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 16, लोड शेडिंग इज पॉसिबल थ्रू, क्या पूछा, लोड शेडिंग किस में पॉसिबल है, वोल्टेज रिडक्शन में, फ्रीक्वेंसी रिडक्शन, स्विचिंग ऑफ द लोड, यानी ऑल ऑफ द एबव, 16 का राइट ऑप्शन डी हो जाएगा।
क्वेश्चन नंबर 17, द एडवांटेज ऑफ न्यूट्रल अर्थिंग, क्या पूछा है? एडवांटेज बताएं न्यूट्रल अर्थिंग का। द सेफ्टी ऑफ पर्सनल सही है, रिडक्शन ऑफ अर्थ फॉल्ट करेंट नहीं, एलिमिनेशन ऑफ आर्किंग ग्राउंड ये भी नहीं, तो यानी राइट ऑप्शन क्या है, सेफ्टी ऑफ पर्सनल। 17 का राइट ऑप्शन ए है। क्वेश्चन नंबर 18, द कॉन्टेक्ट रजिस्टेंस ऑफ सर्किट ब्रेकर इज अबाउट, सर्किट ब्रेकर का कॉन्टेक्ट रेजिस्टेंस कितना होता है वो हम लोग को बताना है। तो चलिए 18 का राइट ऑप्शन के 20 माइक्रो ओम, बहुत कम होता है 20 माइक्रो ओम, 18 का राइट ऑप्शन डी, ताकि आर्किंग हमें कम से कम प्राप्त हो, 18 का राइट ऑप्शन डी वाला। क्वेश्चन नंबर 19 की ओर हम लोग बढ़ते हैं। कंपेयर टू द ब्रेकिंग कैपेसिटी ऑफ सर्किट ब्रेकर इज मेकिंग कैपेसिटी शुड नॉर्मली बी, क्या पूछा, कंपेयर करने पूछ रहा है, यानी मोर ना, इसका राइट ऑप्शन ए हो जाएगा। क्या ब्रेकिंग कैपेसिटी ऑफ सर्किट ब्रेकर इट्स मेकिंग कैपेसिटी, मेकिंग कैपेसिटी नॉर्मली यानी ब्रेकिंग कैपेसिटी से तो ज़्यादा होता है, अभी बताते हैं मेकिंग कैपेसिटी बराबर क्या बताते हैं, मेकिंग कैपेसिटी बराबर 2.55 ब्रेकिंग कैपेसिटी यानी ज़्यादा होता है। उन्हें इसका राइट ऑप्शन ये हो जाएगा। 20 नंबर के क्वेश्चन की ओर चलते हैं हम लोग। चलिए लास्ट क्वेश्चन हम लोग देख लेते हैं। ऑपरेटिंग टाइम फॉर फ्यूज वायर इज अबाउट, 2 मिली सेकेंड, कितना होता है 2 मिली सेकेंड, 20 का राइट ऑप्शन बी। तो चलिए दोस्तों आज हम लोग 20 ऑब्जेक्टिव कर लिए हैं, तो आप लोग से जल्द मिलते हैं एक नए सेशन में, तब तक के लिए सभी को वीडियो देखने के लिए थैंक्स।